ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करें और ये एकदम फ्री है। हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हेयर ऑयल अप्लाई करने का सही तरीका क्या है जिससे वो पूरे स्कैल्प में प्रॉपरली अप्लाई हो सके। सबसे पहले मैं सेंटर पार्टीशन करके बालों को दो सेक्शंस में डिवाइड कर रही हूँ। एक साइड के बालों को क्लचर की हेल्प से बांध रही हूँ, अब दूसरी साइड पे मैं ऑयल अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। ये जो हेयर ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ ये है मेरा होममेड हेयर ऑयल। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। सबसे पहले जो सेंटर पार्टीशन हमने किया था उस वाले स्कैल्प में प्रॉपरली हल्के हाथों से फिंगर्स को डिप करके हेयर ऑयल अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप कॉटन बॉल की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉटन बॉल की हेल्प से हेयर ऑयल लगाने के लिए सबसे पहले कॉटन बॉल लीजिए, उसको ऑयल में डिप कीजिए और एक्सेस ऑयल को स्क्वीज कर दीजिए। उसके बाद जो बचा हुआ ऑयल होगा उसको अपने स्कैल्प में लगाना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से एक एक सेक्शन अलग करके हमें स्कैल्प में ऑयल लगाना है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारा स्कैल्प कहीं से भी छूटे नहीं। अगर इस तरह से हम पार्टीशन कर करके ऑयलिंग करते हैं तो स्कैल्प कहीं से भी नहीं बचता है, पूरे स्कैल्प में प्रॉपरली ऑयल अप्लाई हो जाता है। या तो आप अपनी फिंगर या थंब की हेल्प से ऐसा सेक्शन डिवाइड करते रहिए, या फिर टेल कॉम ले सकते हैं, या कोई जिस तरह से मैं नॉर्मल कॉम की हेल्प से कर रही हूँ इस तरह से भी सेक्शन डिवाइड कर करके ऑयलिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग करते टाइम फिंगर्स से स्कैल्प में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, वरना बहुत ज़्यादा हेयर ब्रेकेज भी हो सकता है, हेयर फॉल भी हो सकता है। लाइट लाइट फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से ऑयलिंग करते रहना है। सबसे पहले हम पूरे स्कैल्प में ऑयलिंग कर लेंगे। अगर आप इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके ऑयलिंग करते हैं तो कहीं भी स्कैल्प आपका नहीं छूटेगा, पूरे स्कैल्प में प्रॉपरली ऑयलिंग हो जाएगी। और जब एक साइड की ऑयलिंग हो जाए तो उस साइड के बालों को बांध दीजिए जैसे हमने दूसरे साइड के बांधे थे, और दूसरे साइड के बालों को खोल लीजिएगा। और सिमिलरली जैसे हमने इस साइड पे सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके ऑयलिंग की थी, उधर की साइड पे भी इसी तरह से ऑयलिंग करनी है। मैं बहुत ही हल्के हाथ से ऑयलिंग कर रही हूँ, हो सकता है वीडियो में थोड़ा प्रेशर लग रहा हो क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है, अदरवाइज मैंने बिल्कुल भी इसमें प्रेशर नहीं डाला है। बहुत ही लाइट फिंगर्स से मैंने ऑयलिंग की है। इस तरह से ऑयलिंग करना बहुत आसान है, आप खुद से भी ऑयलिंग कर सकते हैं और बैक साइड के बालों में भी इस तरह से। अगर आप जानना चाहते हैं खुद से किस तरह से ऑयलिंग करनी है तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के बता दूंगी। इस तरह से हम बैक साइड में बिना देखे भी ऐसे कॉम की हेल्प से ऐसे सेक्शन डिवाइड कर करके खुद से भी ईजिली ऑयलिंग कर सकते हैं। ये जो हेयर ऑयल मैं अप्लाई कर रही हूँ, ये जो मैंने बनाया है ये कोकोनट ऑयल से बनाया है। इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स क्या हैं और किस तरह से हम घर पर हेयर ऑयल बना सकते हैं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। क्योंकि ये जो हेयर ऑयल है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और हमारे सारे हेयर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और ये जो हेयर ऑयल है ये हमारे हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को थिक बनाता है और जितनी भी स्कैल्प प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे डैंड्रफ है सारी चीज़ों को सॉल्व कर देता है। गाइस, अगर आप मेरे चैनल को मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो मेरे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। जो स्कैल्प में मैंने ऑयलिंग की थी वो की थी होममेड हेयर ऑयल से, पर जो लेंथ है बालों की उसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। जो बालों की लेंथ पे मैं ऑयलिंग कर रही हूँ वो मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। इसके लिए आपको मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गुनगुना करना है, उसके बाद अपने पाम पर लेकर दोनों पाम पे अच्छी तरह से रब करके अपने लेंथ में बालों की इस तरह से अप्लाई करना है। बालों को बिल्कुल भी रब नहीं करना है, सिर्फ उसमें ऑयल को अप्लाई करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर हम लेंथ को बाल धोते टाइम या फिर ऑयलिंग करते टाइम रब करते हैं तो उससे स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं और बाल डैमेज भी होते हैं। और मैं बालों की लेंथ में मस्टर्ड ऑयल इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मस्टर्ड ऑयल लेंथ के लिए बहुत अच्छा होता है, मैंने पर्सनली अप्लाई करके देखा, इससे बाल बहुत ज़्यादा सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं, प्लस मस्टर्ड ऑयल स्प्लिट एंड्स होने से भी बचाता है। जब पूरे बालों में ऑयलिंग हो जाएगी उसके बाद लाइट फिंगर्स से आप स्कैल्प की मसाज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको हेयर फॉल ज़्यादा होता है तो आप बिल्कुल मसाज मत कीजिए, सिर्फ ऑयल को इस तरह से अप्लाई करके 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। और आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप ऑयलिंग करके रखेंगे उतना ज़्यादा बालों के लिए अच्छा है।
लेकिन याद रखिएगा कि आपको ऑयलिंग करके घर से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इससे बाल डस्ट पकड़ेंगे और आपके बालों को फायदा होने की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे लिखकर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।